बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल को देख रहे हैं और उसके अंदर हमने मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल आज हमने डिस्कस करना है। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को हम देखेंगे। वैसे अगर मैं आपको बताता चलूं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जितनी भी कंट्रीब्यूशन मजीद साइंटिस्ट ने की थी, जैसे डोब्राइनर ने की थी, न्यूलैंड ने की थी, लोथर मेयर ने की थी, तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन जो की थी, जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आया है, जो इस फॉर्म के अंदर है, वो किस चीज़ की वजह से है? वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की वजह से है और मेंडलीव की काविशों की वजह से यहाँ तक जो है अच्छा पीरियोडिक टेबल हमें मिला है। मतलब इस साइंटिस्ट ने, मतलब इस केमिस्ट ने जो है बहुत ज़्यादा वर्क किया था पीरियोडिक टेबल के मुतालिक, कि पीरियोडिक टेबल को कैसे अरेंज करते हैं। तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल को हम आगे चल के अभी देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम एक और चीज़ जो है इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो मेंडलीव है उसके, ये जो हम सन लिख रहे हैं 1871, इसके दौरानिए के अंदर एक और साइंटिस्ट था लोथर मेयर, तो उसने भी पीरियोडिक टेबल दिया था और मेंडलीव ने भी पीरियोडिक टेबल दिया था। लेकिन फ़र्क क्या है कि लोथर मेयर के पास रिसोर्सेज ना होने की वजह से वो पहले पब्लिश नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेंडलीव ने पहले पब्लिश कर दिया। और मेंडलीव ने जब पहले पब्लिश कर दिया तो इसका नाम जो है वो पीरियोडिक टेबल के साथ जुड़ गया था। ठीक है जी, तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसके बारे में जो है वो हम क्या कुछ लिख सकते हैं, तो वो हम देखते हैं जी। तो पहले दो तीन पॉइंट्स जो है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का जो इंट्रो है, कि मेंडलीव जो है उसका पूरा नाम क्या था, उसने कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ये सारी चीज़ें लिखते हैं और फिर इसके मेरिट्स को देखेंगे कि इसने किन किन चीज़ों को सॉल्व कर दिया था। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं जी, इसका नाम जो है ना वो था हमारे पास डिमिट्री मेंडलीव इस साइंटिस्ट का या केमिस्ट का नाम था। और ये जो साइंटिस्ट था ये क्या था, ये एक रशियन केमिस्ट था। ठीक है जी, एक रशियन केमिस्ट तो रशियन केमिस्ट था और इसका नाम क्या था, डिमिट्री मेंडलीव। और इसने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था उस वक्त, 63 एलिमेंट्स को इसने अरेंज कर दिया था। ठीक है जी, एक रशियन केमिस्ट डिमिट्री मेंडलीव था और उसने जो एलिमेंट्स उस वक्त, कितने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था, 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। और यहाँ पर पहला पॉइंट जो है, यहाँ पर जो मेन इसका जो है वो पॉइंट बनता है, वो ये है कि किस बेस पर अरेंज किया था, ऑन द बेसिस ऑफ किस बेस पर, एटॉमिक मास की बेस पर इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। यही इसकी जो है फेमस, जो ये जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है जो फेमस हुआ है, तो इसके जो शोहरत पाई है वो इसी वजह से पाई है कि इसने जो है एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज किया और एक्चुअल में तमाम एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया, जितने भी एलिमेंट्स वहाँ तक डिस्कवर थे, 63 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर थे और सारे के सारे एलिमेंट्स को इसने अरेंज कर दिया था। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा जी। फिर उसके बाद जो है उसके बारे में इसने और भी काफ़ी सारी पीरियोडिक टेबल के बारे में मुझे चीज़ें बताई हैं और वो हैं ग्रुप्स और पीरियड के बारे में बताया इसने। ठीक है जी, किस चीज़ के बारे में बताया, एक तो ग्रुप्स के बारे में बताया, ग्रुप्स, और दूसरा पीरियड के बारे में भी बताया कि ग्रुप्स और पीरियड्स क्या होते हैं। तो इसने कहा कि जो हॉरिजेंटल रोज होती हैं, ठीक है जी, हॉरिजेंटल रोज यहाँ पर लिखते हैं, हॉरिजेंटल रोज जो होती हैं उन्हें, उन पीरियड्स का नाम दिया और उसने कहा कि 1 से लेके 7 तक होते हैं। और ग्रुप जो है उसको कहा कि वर्टिकल जो कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, वर्टिकल कॉलम्स, तो वर्टिकल कॉलम्स जो हैं उनको इसने नाम दिया ग्रुप्स का, और ये जो है 1 से लेके 8 तक होते हैं। ठीक है जी, ग्रुप जो है वो 8 होते हैं और पीरियड जो है वो 7 होते हैं, उसने ये चीज़ें बताई थी। फिर उसके बाद जो है मेन इसके मेरिट्स जो हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं, कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल अगर हम देखते हैं तो उनसे हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो सीखने को मिलती हैं, जो चीज़ें आसान हो जाती है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की वजह से, वो हमने चीज़ें देखनी हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इसको ही रिवाइज़ कर लेते हैं कि डिमिट्री मेंडलीव ने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल दिया था और एक रशियन केमिस्ट था और उसने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया और किस बेस पर, एटॉमिक मास के इंक्रीज होने की बेस पर उसने अरेंज किया।
फिर उसके बाद ग्रुप्स और पीरियड की डेफिनेशन आ जाएगी कि उसने कहा कि वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं उन्हें ग्रुप्स का नाम दिया जाएगा और जो हॉरिजेंटल रोज होती हैं उन्हें पीरियड्स का नाम दिया जाएगा। तो वर्टिकल कॉलम्स जो हैं वो 8 होते हैं और हॉरिजेंटल रोज यानी पीरियड जो हैं वो 7 होते हैं, 7 इन नंबर होते हैं। अब हमने इसके मेरिट्स को देखना है कि ये जो मेंडेलीफ का पीरियोडिक टेबल था उसने किन किन चीज़ों को सॉल्व किया था। एक तो इसका जो मेरिट्स जो हैं वो हम अलग से चले लिखते हैं जी। स्टार्ट करते हैं जी मेरिट्स। अब मेरिट्स के अंदर सबसे पहले जो है इसका मेरिट आता है सिस्टमैटिक स्टडी। तो सिस्टमैटिक स्टडी जो है मेंडेलीफ के पीरियोडिक टेबल की वजह से ही पॉसिबल हुई। अब सिस्टमैटिक स्टडी जो है वो क्या होती है, अगर हम यहाँ पर देखें सिस्टमैटिक स्टडी होती क्या है, तो डेफिनेटली मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे आपके स्कूल के अंदर, आपके कॉलेजेस के अंदर क्या होता है कि काफ़ी सारे बच्चे जो है अलग अलग सेक्शंस के अंदर बैठते हैं। अब मैं करता क्या हूँ, तमाम बच्चों को एक ही जगह पर इकट्ठा कर देता हूँ एक प्लॉट के अंदर, और मैं कहता हूँ कि हर एक की जो करेक्टरिस्टिक्स है, हर एक के जो नंबर है वो अलग अलग जो है आपने नोट करने हैं। ठीक है जी, हर एक की अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स, हर एक का अलग अलग आईक्यू लेवल आपने टेस्ट करना है। ठीक है जी, क्या ये चीज़ आसान होगी, या मैं आपको ये कहता हूँ कि हर सेक्शन जो है वो अपनी क्लास के अंदर ही मौजूद है, आपने करना क्या है, हर एक से दो दो बच्चे उठाने हैं और उनका आईक्यू लेवल जो है वो चेक कर लेना है, पूरी क्लास का आईक्यू लेवल पता चल जाएगा। तो डेफिनेटली सेकंड मेथड जो है वो आसान है, जिसमें क्या होगा कि जस्ट आपने हर एक सेक्शन से दो दो बच्चे जो है वो उठाए हैं और उससे पूरी क्लास का आईक्यू लेवल जो है वो पता कर लिया है। तो इसी तरीके से हम सिस्टमैटिक स्टडी के अंदर करते हैं। सिस्टमैटिक स्टडी में क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, हम ग्रुप के अंदर अरेंज करते हैं उसको। ठीक है जी, ये रहा वर्टिकल कॉलम्स। तो ग्रुप्स के अंदर अरेंज करने से क्या होता है कि जस्ट हम एक एलिमेंट या दो एलिमेंट ग्रुप के स्टडी कर लेंगे तो बाकी तमाम एलिमेंट्स की जो खसूसियात है उससे तकरीबन मैच करती हैं, तो हमें तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पता चल जाती है और इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी कहते हैं। तो इससे होता क्या है कि इससे जो है एक तो टाइम बचता है, एनर्जी बचती है, और जो एलिमेंट्स हैं उनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ जो है वो याद रखने में भी आसानी होती है। अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक ग्रुप के अंदर 7 या 6 एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है जी, आप हर एक की अलग अलग जो है 10-10 प्रॉपर्टीज़ याद रखेंगे, या सिर्फ एक एलिमेंट की 10 प्रॉपर्टीज़ आसानी से याद रख लेंगे? डेफिनेटली एक एलिमेंट की आसानी से याद रख सकते हैं, और फिर क्या होगा कि बाकियों की उसी से मैच करेंगी और आपको सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हर एलिमेंट्स की पता चल जाएंगी। तो ये होती है सिस्टमैटिक स्टडी, और ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है जो कि मेंडेलीफ के पीरियोडिक टेबल ने हमें दिया था। ठीक है जी, तो सेकंड पॉइंट जो है इसका मेरिट जो है वो क्या आ जाएगा, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। ये जो मैं नोट्स ले रहा हूँ, ये हमारे पास जो फेसबुक पेज है साइंसिफाई योरसेल्फ, तो वहाँ पर आपने जाना है और वहाँ पर जो है ये अपलोड मैं कर दूंगा 1-2 दिनों के अंदर, तो आपने वहाँ से जो है वो देख लेना है कि ये नोट्स जो है वहाँ से भी आप तैयार कर सकते हैं और लेक्चर भी ले सकते हैं, तो दोनों तरीके से आप जो है फर्स्ट चैप्टर को तैयार कर सकेंगे। तो सिस्टमैटिक स्टडी के बाद आपने दूसरा जो पॉइंट लिखना है वो है प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। ठीक है जी, तो सेकेंड पॉइंट प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, नए जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रेडिक्शन करना कि नए एलिमेंट्स अगर बाद में डिस्कवर होने हैं, क्योंकि इसने न्यूलैंड की तरह नहीं कहा, न्यूलैंड ने क्या कहा था कि 62 एलिमेंट्स हैं तो 62 ही डिस्कवर हैं, उसके अलावा कोई और एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हो सकता। लेकिन इसने क्या किया, ये जो मेंडेलीफ था इसने 63 एलिमेंट्स जो डिस्कवर थे वो तो थे ही, लेकिन उसने कुछ एलिमेंट्स के लिए स्पेसिस छोड़ दी कि यहाँ पर जो है अभी लेट से मैं कहता हूँ कि एल्यूमिनियम जो है। ठीक है जी, उसने किया क्या कि एल्यूमिनियम है, ठीक है जी, एल्यूमिनियम के बाद जो है वो आता है सिलिकॉन। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम के नीचे क्या आएगा और सिलिकॉन के नीचे क्या आएगा, हालांकि यहाँ पर जो है एलिमेंट्स उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे, उसने क्या किया यहाँ पर स्पेसिस छोड़ दी, उसने कहा और उसको नाम दिया अक्का एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम है ना, तो इसके नीचे क्या लिखा AKA अक्का एल्यूमिनियम, और यहाँ पर क्या लिखा AKA यानी अक्का सिलिकॉन लिख दिया। अक्का कहते हैं कि ग्रीक वर्ड के अंदर या लैटिन वर्ड के अंदर कहते हैं कि मुतरादिफ, एक जैसा। ठीक है जी, तो एल्यूमिनियम जैसा ही कोई एलिमेंट यहाँ पर आएगा, सिलिकॉन जैसा ही कोई एलिमेंट यहाँ पर आएगा, और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी उसने बता दी कि इससे मैच करेंगी।
ठीक है जी। और बाद में वो एलिमेंट्स डिस्कवर भी हुए, जैसे अब यहाँ पर जो है एलिमेंट डिस्कवर कौन से हुए थे, एल्युमिनियम के नीचे जो है वो गैलियम डिस्कवर हुआ और इसके नीचे जर्मीनियम डिस्कवर हुआ। तो गैलियम और जर्मीनियम जब बाद में डिस्कवर हुए तो इनकी प्रॉपर्टीज़ वही थी, तकरीबन वही थी जो कि मेंडलीफ ने बताई थी। मतलब इतना जीनियस साइंटिस्ट था कि उसने क्या किया कि अगर एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं है तो इसने क्या ये नहीं किया कि उनकी जगह पर कोई और एलिमेंट्स रख दें ताकि गैप जो है वो फिल कर दें, ऐसा नहीं किया उसने। उन गैप्स को छोड़ दिया और वहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर कोई एलिमेंट ऐसे आएंगे जिनकी प्रॉपर्टीज़ ये होंगी। और बाद में वो एलिमेंट गैलियम जर्मीनियम जैसे डिस्कवर हुए और उनकी प्रॉपर्टीज़ वही थी जो कि मेंडलीफ ने बताई थी, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स जो है इसने सॉल्व कर दिया था, ठीक है जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपने करना है कि करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक है जी। एटॉमिक मासेस को करेक्ट करने का तरीका भी इसने ही दरियाफ्त किया था। मतलब काफ़ी सारे जो एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मासेस जो है वो डिफरेंट थे, लेकिन इसने क्या किया था, हर एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ और एटॉमिक मास दोनों के लिहाज से उनको अरेंज कर रहा था, जिसकी बेस पर उसने क्या किया कि यहाँ पर लेट्स से मैं कहता हूँ कि करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। तो उसने लेट्स से जो है बेरिलियम के बारे में बात की थी, ठीक है जी। बेरिलियम जो है उसको अगर हम देखें तो उसका एटॉमिक मास पहले बताया जा रहा था कि 13.5 है AMU, लेकिन ये वाला जो एटॉमिक मास है ये गलत होता है। उसने देखा कि अगर हम देखें ये जो बेरिलियम है ये आना चाहिए मैग्नीशियम के ऊपर, ठीक है जी। और मैग्नीशियम के ऊपर अगर आ रहा है तो इसका एटॉमिक मास राउंड अबाउट 9 होना चाहिए। तो इसने ये जो 13.5 जो गलत था इसको सही एटॉमिक मास के अंदर कन्वर्ट कर दिया 9 एटॉमिक मास। तो इसने क्या किया, एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज़ की बेस पर अरेंज करते हुए उनकी पोजीशन के लिहाज से उनके एटॉमिक मासेस को सही किया, ठीक है जी। तो ये मेन पॉइंट है के करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास कैसे की, एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टीज़ या एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज कर रहा था और उनकी पोजीशन के लिहाज से उनके एटॉमिक मासेस को क्या कर दिया, उसने करेक्ट कर दिया। और इसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स का नाम लिया जाता है जो कि इसने सही किया था, जैसे कि गोल्ड आ जाता है, ठीक है जी, प्लैटिनियम आ जाता है और इंडियम आ जाता है। तो ये 3-4 जो है ना एलिमेंट्स है जिनके अंदर इसने क्या किया था, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस की थी, मतलब इनके एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया था, ठीक है जी। आपने बेरिलियम की सही तरीके से मिसाल दे देनी है, फिर उसके बाद इनके नाम लिख देने हैं जस्ट, तो यहाँ तक जो है वो पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आ जाता है कि वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है जी। इसने एक और चीज़ बताई थी और इसके पीरियोडिक टेबल से एक और चीज़ हमें पता चलती है, वो है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की वैलेंसी भी आसानी से पता चल जाती है अगर हम मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को सही तरीके से देखते हैं। वो कैसे पता चल जाती है ये हम देख लेते हैं। तो ग्रुप नंबर अगर हम देखेंगे ना तो उसके लिहाज से ही हम बता देंगे कि वैलेंसी क्या होगी। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि ग्रुप नंबर बना लेते हैं, ठीक है जी, ग्रुप नंबर और उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं जी। तो अगर हम देखें तो ग्रुप नंबर अगर 1 होगा, ठीक है जी, फर्स्ट ए हम कह देते हैं फर्स्ट होगा, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अगर सेकंड की बात करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर थर्ड की बात करते हैं जी तो थर्ड के अंदर 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। फोर्थ की बात करते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिफ्थ की बात करते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिक्स्थ की बात करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेवन्थ की बात करते हैं जी तो सेवन्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। और एट्थ की बात करते हैं जी तो 8 के अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब उसने वैलेंसी कैसे बताई इसकी मदद से, ग्रुप नंबर की मदद से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पता चल गए हैं और आपको ऑक्टेट रूल जो है वो आता होगा, ठीक है जी। ऑक्टेट रूल जो है वो क्या है कि हर एलिमेंट जो है वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करता है, ठीक है जी। हर एलिमेंट क्या करता है, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करता है, तो ऑक्टेट रूल ये होता है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो स्टार्ट में ये जो है, अब इसके पास जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। अब लेट्स से मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि अली और अकरम, ठीक है जी, अली है और अकरम है।
तो यहाँ पर जो है हम बना लेते हैं, अली और अकरम जो है वो दो भाई हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 8 रुपए की उन्होंने कोई भी चीज़ खरीदनी है। लेट से मैं कहता हूँ एक पेंसिल खरीदनी है, ठीक है, जी बॉल पेन क्या देते हैं, तो 8 रुपए की क्या खरीदनी है, एक बॉल पेन खरीदनी है। अब हम देखते हैं कि अली के पास जो है वो पहले 1 रुपये था, ठीक है जी, और फिर जो है 2 हो गए, 3 हो गए, और जब इसके पास 1 थे तो अकरम के पास 7 होंगे, इसके पास अगर 2 थे तो इसके पास कितने होंगे, 6, और इसके पास 3 थे तो इसके पास कितने होंगे, 5 हो गए। अब जब अली के पास 1, 2 या 3 रुपए होंगे तो क्या ये अकरम को राजी कर पाएगा कि वो 7, 6 या 5 ले सके? ऐसा नहीं हो सकता। होगा क्या कि अली जो है वो अकरम को पैसे डोनेट कर देगा, ठीक है जी, वो अकरम को दे देगा, और जिसकी वजह से क्या हुआ है कि इसने दे दिया है। तो 1, 2 या 3 जब होते हैं, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो डोनेट कर देते हैं, ठीक है जी, और डोनेट करने से इसकी वैलेंसी जो है हम बता सकते हैं कि डोनेट करने से इसकी पॉजिटिव 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो अगर एक नेगेटिव चार्ज दे रहा है तो इसकी पॉजिटिव 1, इसकी पॉजिटिव 2, और इसकी क्या रहेगी, पॉजिटिव 3 आ जाएगी, ठीक है जी। और 5 वाला क्या करता है, 5 वाला लेता है 3 से, 6 वाला 2 से लेता है, और 7 वाला 1 से लेता है, ठीक है जी। 5 वाला क्या करता है, -3 आ जाएगी क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्जेस ले रहा है। 6 वाला जो है वो क्या ले रहा है, 2 ले रहा है, और 7 वाला 1 ले रहा है। 8 वाला जो है वो 0 है, और 4 वाले की जो है वो 4 ही वैलेंसी होती है, वो 4 ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है, और अक्सर जो है वो शेयर करता है, और शेयर करने में क्या होता है कि ये जो हम अगर लेट से यहां पर बनाते हैं कि 4 की और 4 की मिसाल लेते हैं, तो ये दोनों जो है अब बराबर कंट्रीब्यूट करेंगे, और वो जो 8 रुपए होंगे वो अली के भी होंगे और अकरम के भी होंगे, जिसको पहले जो है बॉल पेन की जरूरत होगी वो खरीद लेगा, ठीक है जी। तो वो जो 8 रुपए बनेंगे वो दोनों के होंगे, अली के भी होंगे और अकरम के भी होंगे, समझ में आ जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या बता सकते हैं, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट भी बता सकते हैं, किस चीज़ की मदद से, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की मदद से। तो इसके अंदर कुछ 3-4 पॉइंट्स जो है वो शुरू में आपने करने हैं कि डिमिट्री मेंडलीव इसका नाम है जिसने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल दिया, और रशियन केमिस्ट था, और उसने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास की बेस पर। फिर उसके अंदर ग्रुप और पीरियड के बारे में बताना है कि वर्टिकल जो कॉलम्स होते हैं उन्हें ग्रुप्स का नाम देते हैं, और हॉरिजेंटल रोज होती हैं उन्हें हम पीरियड्स का नाम देते हैं। ग्रुप जो है वो 8 होते हैं, पीरियड जो है वो 7 होते हैं। फिर उसके बाद इसके मेरिट्स आ जाते हैं कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को देख के हम किन किन चीज़ों को बता सकते हैं, किन किन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है जी सिस्टमैटिक स्टडी, के इसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी यानी ग्रुप के अंदर से सिर्फ एक एलिमेंट को हम स्टडी करके बाकी तमाम की खसूसियात बता सकते हैं कि कौन कौन सी होगी, ये सिस्टमैटिक स्टडी होता है, क्योंकि ग्रुप के अंदर तमाम एलिमेंट्स की खसूसियात एक जैसी होती है, 6 या 7 जितने भी एलिमेंट्स होंगे, तो एक की पता चल गई तो बाकियों की भी पता चल जाएगी, तो ये सिस्टमैटिक स्टडी है। फिर उसके बाद प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, तो इसने ये नहीं किया कि मतलब अगर एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं है, अगर किसी स्पेसिस मौजूद हैं तो उसकी जगह पर कोई और एलिमेंट्स रख दिया, ऐसा नहीं किया, उसने स्पेसिस बाकायदा छोड़ दी और बताया कि यहाँ पर कुछ अरसा बाद ये एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ ये होंगी, और बाद में वो एलिमेंट्स डिस्कवर भी हुए और उनकी प्रॉपर्टीज़ वही थी जो कि मेंडलीव ने बताई थी। फिर उसके बाद आ जाता है जी करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, तो जैसे ही वो अरेंज कर रहा था एलिमेंट्स को तो उनकी पोजीशन के लिहाज से बेरिलियम की पोजीशन जो है बोरोन से पहले आती है, हालांकि बोरोन का एटॉमिक मास कितना होता है जी, आपको पता होगा बोरोन का एटॉमिक मास होता है 11, ठीक है जी, तो डेफिनेटली बेरिलियम का कम होना चाहिए इससे, ठीक है जी। तो इस तरह उसने क्या किया कि बेरिलियम की पोजीशन के लिहाज से उसका एटॉमिक मास करेक्ट कर दिया था, और बाकी किन किन का किया था, गोल्ड का, प्लाटिनियम का, इंडियम का, उसने करेक्शन की थी एटॉमिक मास की। फिर उसके बाद उसने कहा कि वैलेंसी ऑफ एलिमेंट भी हम मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं, कैसे कि ग्रुप नंबर से हमें पता चल जाएगा कि वैलेंसी उसकी क्या होगी, 1, 2 और 3 की जो है +1, +2, +3 होगी, 5, 6 और 7 की -3, -2, -1 होगी, और 4 वाले की 4 ही वैलेंसी होती है, और लास्ट वाला जो होता है वो ना तो अब 8 रुपये उसके पास पूरे हैं तो उसको ना किसी से लेने ना किसी को देने की ज़रूरत है, और वो ना किसी से रिएक्शन करता है, तो इसलिए उसकी वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास कुछ पॉइंट्स जिनकी मदद से हमने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को समझा था, और किन किन पहलुओं के अंदर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल ने हमें मदद की थी। आगे चल के हम देखेंगे कि डेफिनेटली
हर एक इंसान के अंदर थोड़ी बहुत गलती की गुंजाइश होती है, तो यहाँ पर भी गलतियों की गुंजाइश है। और वो हमने देखना है कि मेंडलीव का जो प्रायोरिटी टेबल था एक्चुअल में बहुत परफेक्ट लग रहा था, तो उसके अंदर कौन कौन सी खामियाँ थी, कौन कौन से डीमेरिट्स थे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।